अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर मैं नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें मेरी वीडियोस को, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना सिखाऊंगी वो है स्टूडेंट बिरयानी। बहुत मशहूर रेसिपी है, सब बहुत पसंद करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। आइए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन के हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है, उसके बाद मैंने इसको धो के, अब मैंने इसको खुश्क होने के लिए रख दिया ऐसे। उसके बाद मैंने चावल जो हैं एक गिलास ले लिया है, आप हसब ज़रूरत ले सकते हैं जितना आप चाहें। उसके बाद आलू मैंने लिए, इसमें आलू इस्तेमाल होंगे। मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए हैं, इनको हम काट के और फिर बीच में फ्राई करके डालेंगे। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1 फुल चम्मच है। उसके बाद 2 अदद टमाटर मैंने ले लिए हैं। इसके अलावा 2 प्याज दरमियाने साइज़ के ले लें मैंने, एक हम ब्राउन करके डालेंगे बीच में, डार्क ब्राउन करके, और एक को हम मसाले के अंदर बनाएंगे। उसके बाद 3 अदद हरी मिर्चें आप दरमियाने साइज़ की ले लें। अब आपको जर्दे रंग की ज़रूरत होगी जो हम बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे और ख़ास इससे कलर आता है। उसके बाद स्पाइसेस में देख लें हमें और क्या क्या चाहिए। नमक चाहिए 1/2 चम्मच मैंने लिया है, आप हसब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने चावल जब बॉईल करने हैं उसमें भी नमक डलना है, इसलिए मैंने फ़िलहाल 1/2 चम्मच लिया है। उसके बाद सुर्ख मिर्च पाउडर जो है 1/2 चम्मच आपने लेना है, या हसब ज़रूरत जितना आप स्पाइसेस को करना चाहते हैं। मैंने हल्दी ली है बिल्कुल चुटकी, 1/4 चम्मच ले लें आप। उसके बाद ये हमने चाट मसाला ले लिया है, चाट मसाला जो है किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं, मैंने 1/2 चम्मच लिया है, इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है बीच में। उसके बाद मैंने बिरयानी मसाला किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं, ये 1 चम्मच मैंने ले लिया है, आप हसब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने गरम मसाला लिया है 1/2 चम्मच। उसके बाद इमली हम कुछ कम ही डालेंगे, इतनी इमली मेरे घर में पसंद नहीं की जाती, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। उसके बाद 125 ग्राम मैंने दही लिया है, दही ने इसका फ्लेवर बनाना है, इसलिए इसको हम दही को फेंट लेंगे। आइए आपको चिकन की मैरिनेशन बता देती हूँ पहले, कि चिकन को पहले मैरिनेट करके छोड़ देना कुछ देर के लिए। ये देखें, ये अब अपना चिकन ले लेंगे। चिकन में सबसे पहले हम दही डाल लेंगे, इसको अच्छी तरह फेंट के आपने डालना है। नमक, सुर्ख मिर्च, चाट मसाला, बिरयानी मसाला, हल्दी, गरम मसाला, आपने कुटा हुआ खुश्क धनिया भी डालना है, मैं बताना भूल गई थी, ये भी इसमें मिक्स कर। अब इसको 1/2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे, बेशक इसको फ्रिज में रख लें, किसी ठंडी जगह पे रखते हैं इसको। आपने जर्दा रंग लेना है, ये देखिए, इसको पानी में मिक्स करके अच्छी तरह, थोड़ा सा पानी मैंने कप में लिया है, और हम ये जो मैरिनेशन हमने की हुई है, ये पड़ा हुआ है मैरिनेशन वाला, उसके अंदर ही हम डाल देंगे और इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर। अब हम अपने प्याज वगैरह अपना मसाला बना लेते हैं। ये मैंने ऑयल जो है गर्म कर लिया, इसमें हम थोड़े से आलू फ्राई कर लेंगे, हाई फ्लेम रखना है आपने, हल्के से फ्राई करके जब ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे फिर हमने इनको निकाल लेंगे। ये देखिए हल्का सा कलर चेंज हुआ है इसका, लाइट ब्राउन, तो मैं अपने प्याज डालने लगी इसमें। ये वही प्याज है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, मैंने बारीक काट लिया, जैसे कि हम हंडिया के अंदर डालते हैं सावे वगैरह बनाने के लिए। साथ ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे यहाँ पे। पानी डाल लेंगे ताकि प्याज जो है वो नरम हो। इस जगह पे हम इसमें चिकन भी डाल देंगे, चिकन के जो सारा मटेरियल है वो अपने अंदर डाल लेंगे ताकि इसका टेस्ट बढ़े।
पे आप फ्लेम हाई कर लेंगे, इसको थोड़ी देर पकने दें ताकि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए और बाद में हम इसकी भूनी लगाएंगे। इसी पॉइंट पे हम अपने टमाटर डाल देंगे। मेरे टमाटर फ्रोजन है तो ये खुद ही बीच में बिल्कुल सही से बन जाएंगे। अब हम इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये खुश्क हो जाए, फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर आप कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। ये चावल उबालने के लिए मैंने पानी रख दिया है ऊपर, ये बिल्कुल उबल रहा है। अब हम इसके अंदर चावल डाल देते हैं और चावलों के साथ मैंने आपको एक और भी टिप देना है। आपने चावलों में आधा चम्मच नमक डाल लेना है और उसके साथ मैंने कुछ लौंग ले लिए हैं, दालचीनी है और मोटी इलायची, ये डालेंगे इसकी खुशबू चावलों में आएगी। अब हम चावल डालने लगे हैं, अपने आपको दिखाते हैं। आपने एक बात नोटिस रखनी है कि चावल जो है ये सारे नहीं गलने चाहिए, आपने इसको 70% पके हो और उसके बाद थोड़ी सी कनी हो इसके अंदर हमने उतार लेना है। अब ये देखिए, ये मैं सिर्फ इसमें बॉईल करने लगी हूँ, मैंने पानी इसका गिराना है, तो आपने सिर्फ 70% इसको पकाना है, 30% ये कच्चे ही होंगे तो हम दम के साथ बिरयानी में पकाएंगे इसको। फ्लेम इसकी मीडियम रख के इसको पकने के लिए छोड़ दें। ये देखें, ये गोश्त ऑलमोस्ट हो चुका है, इसने बिल्कुल घी लैदा छोड़ दिया है। इसमें हमने हल्की सी ग्रेवी रखनी है क्योंकि जब हम चावल डालेंगे तो वो मसाला जो है चावलों में भी रखेगा। इस जगह पे अब हम अपनी इमली डाल लेते हैं। इमली मैंने हल्के से पानी में भिगोई हुई थी, उसी के साथ डाल देती हूँ। आप आलू बुखारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, इस जगह पे सब्ज मिर्च डाल लें और मैंने जीरा लैदा करके रखा है तो जीरा भी हम इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर देते हैं जब भुनाई हो चुकी है। अब ये भून गया, इसको मैं रखने लगी हूँ बंद करके। अब मैं अपने चावलों पे कंसंट्रेट करने लगी हूँ। अभी मैं चावलों को देख लूँ, चावल उबल रहे हैं अभी, अभी कच्चे हैं, थोड़ी देर और देंगे इसको। ये देखें, इस वक्त ये चावल मैंने उबाल लिए हैं, इनको मैंने हल्का सा ऑयलिंग कर ली थी उसी वक्त ही। अब हम इसको तय लगाने लगे हैं। ये प्याज जो है मैंने आपको बताया था, एक प्याज मैं ब्राउन कर लूँगी, ये प्याज मैंने ब्राउन कर लिया है और इसको अब हम जब दम लगाने लगेंगे चावलों के साथ तय के अंदर हम इसको लगाएंगे। अभी मैंने इसमें से कुछ सालन निकाल लिए। अब हम इसकी तय बनाएंगे। ये मेरे बॉइल्ड राइस है, अब मैं इसको डाल रही हूँ। ये उबले हुए चावल हैं जिसमें अभी एक दो कनी है। अब मैं इसके ऊपर ये अपना जो दूसरा मैंने निकाल लिया था वो डाल दूंगी। फिर चावलों की तय हम लगा लेंगे ऊपर। अब ये देखिए, ये जो प्याज मैंने ब्राउन की थी ये इसके ऊपर यहाँ डाल देंगे। इसी के हम यहीं पे इस पे अपना जो है जरदा रंग भी डालेंगे, वो मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने जरदा रंग डाल लिए, तो मैं कहीं कहीं डालूंगी ताकि इसका कलर कहीं कहीं आए। अब हम इसको दम लगा देंगे। ये देखिए, ये मैं दम लगा रही हूँ और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा तवा गर्म करके रख देती हूँ क्योंकि फिर उससे ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये देखिए, मैं पोना उठा के, मैंने गीले पोने का दम लगाया था। अब इसको तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं, आप देखते हैं शक्ल से लग रहा है कि कुछ बन गए। मैं चावल चेक करती हूँ। अब ये चावल तैयार हो गए, इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए, कलर के लिए ज़रूरी है कि आप इसको ज़रा सा हल्का सा हिला लें ऐसे ऐसे। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, कलर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आ गया। तो नाज़रीन,
बहुत मज़े की स्पाइसी बिरयानी, स्टूडेंट बिरयानी तैयार है। ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, नए आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट रेसिपीज़ मिलती रहें। अब इंशाल्लाह जल्दी एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।